हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। इट इज़ द टाइम ऑफ साइंस क्लास। ओके, एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद चैप्टर नंबर 4, शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ओके, चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है। आज आपको एक्सरसाइजेस डिस्कस करनी है, ठीक है? तो बहुत कॉमन सी एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल चैप्टर्स था। एमसीक्यू बेस्ड है। पहले 5 क्वेश्चंस, फिल इन दी ब्लैंक्स बाय चूजिंग दी करेक्ट आंसर फ्रॉम दी ऑप्शंस गिवन बिलो। ओके, नोटबुक इज आ और एन डैश मटेरियल। जो नोटबुक है ये हमारी, ये कैसा मटेरियल्स है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स है, ओपेक है या ट्रांसलूसेंट है? ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार देख सकते हैं, ठीक है? ओपेक मतलब आर पार नहीं देख सकते हैं, सारी लाइट क्या होगा, रुक जाएगी वन साइड। एंड ट्रांसलूसेंट मतलब पार्शली लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी, ओपेक मटेरियल्स, ठीक है? सारी लाइट को क्या करेगा, एक ही जगह पे, मतलब देखिए ऐसे जैसे हम उठाएं तो नीचे इसके बैक साइड पे कुछ नहीं जाएगा, ठीक है? कोई भी लाइट पास नहीं होगी। तो ओपेक ऑब्जेक्ट, ऑयल इज डैश इन वाटर। ऑयल जो है वो कैसा वाटर में कैसा रिएक्ट करता है? मिसबिल, इमिसबिल एंड सेमी मिसबिल, ठीक है? तो जल्दी से बताइए, मिसबिल मीन्स डिसॉल्व हो जाता है, इमिसबिल मीन्स नहीं होता है, और सेमी मिसबिल मीन्स पार्शली और पार्शली मिसबिल एंड नॉन मिसबिल दोनों कंडीशंस, ठीक है? सो इमिसबिल, ठीक है, मिक्स नहीं होगा ऑयल वाटर में, ठीक है? डैश इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, आयरन, प्लास्टिक, पेपर। तो ये तो बहुत ही कॉमन सा, सभी को पता होगा, मटेरियल, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? डैश इज एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस, सॉडस्ट, हनी, सॉल्ट। सो सॉडस्ट होगा, हनी तो इनसॉल्युबल है, ठीक है, घुल जाएगा सब्सटेंस, ठीक है, और सॉल्ट भी इनसॉल्युबल सॉल्युबल है, ठीक है? हनी और सॉल्ट क्या है? सॉल्युबल सब्सटेंस है। तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस क्या होगा? सॉडस्ट। ओके, पीवीसी इज अ डैश कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? सो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पीवीसी इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक्स। ओके, और प्लास्टिक्स जो होगा वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। ओके, सो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, अब मैचिंग में आते हैं, डायमंड, वॉल, बटर पेपर, ऑक्सीजन। ओके, सो ऑक्सीजन सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे, अ गैस दैट डिसॉल्व्स इन वाटर, ठीक है? एक गैस होती है जिसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, ठीक है, सॉरी वाटर में डिसॉल्व होती है। बटर पेपर मतलब होता है, जैसे किसी पेपर में हम बटर रखें तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम्स जो पेपर में बटर पूरा क्या होगा, सोक हो जाएगा, ठीक है, मतलब ऑयली पेपर हो जाएगा वो, और वो पार्शली लाइट्स को क्या करता है, बहुत रिफ्लेक्ट करता है आर पार, ठीक है? सो ट्रांसलूसेंट ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोला जाता है, सो बटर पेपर इज ट्रांसलूसेंट। सो लास्ट वाला ऑप्शन में थर्ड नंबर नोट कर लीजिएगा। फिर वॉल कैसा ऑब्जेक्ट है? ओपेक, ठीक है, लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं करेगा, सो ऑप्शन नंबर 2। एंड डायमंड, सो डायमंड का मैंने सबसे बताया था कि हार्डनेस सब्सटेंस होता है, ओके, नेचर में। सोप स्टोन जो होगा वो सबसे सॉफ्टेस्ट सब्सटेंस होगा, डायमंड सबसे हार्डेस्ट होगा और सोप स्टोन सबसे सॉफ्टनेस होगा, ठीक है, सॉफ्ट सब्सटेंस होगा। सो मैचिंग भी आपकी कंप्लीट हो गई है।
स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स बताने हैं। द बार्क ऑफ अ ट्री इज रफ, जो बार्क होती है, जो पेड़ों की छिलन होती है वो रफ होता है, ठीक है, हाँ रफ होता है, दिस इज ट्रू। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल्स, क्या अलग अलग ऑब्जेक्ट सेम मटेरियल से बनते हैं? नहीं, डिफरेंट मटेरियल से तैयार होते हैं। अ लीफ कैन फ्लोट ऑन वाटर, लीफ जो होती है वो वाटर में फ्लोट करती है, यस। एल्युमिनियम एंड कॉपर आर इंसुलेटर्स, एल्युमिनियम और कॉपर इंसुलेटर्स हैं, मींस बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो। लस्टर इज द शाइन ऑफ द मटेरियल, यस, लस्टरस का मीन्स ही होता है शाइनिंग, ओके। फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग, चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड्स, तो इसमें ऑड कौन सा दिख रहा है? बेबी दिख रहा है, ओके। चेयर, बेड, टेबल्स, कपबोर्ड्स, ये सब एक ही मटेरियल्स के बने हुए हैं बेबी को छोड़ के, ठीक है। रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस, सो रोज, जैस्मिन, मैरीगोल्ड और लोटस ये सब क्या हैं? फ्लावर की कैटेगरीज हैं। बचा गया बोट, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड, सो ये सब तो सारे मेटल्स हैं, सैंड ही बचा सिर्फ। सुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर, सल्फेट, बेकिंग सोडा, शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट, बेकिंग सोडा, ओके। तो शुगर, सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, बेकिंग सोडा इज ये क्या होंगे? ये वाटर में डिजॉल्व सब्सटेंस होंगे, ठीक है, मींस, ठीक है, शुगर, सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, बेकिंग सोडा, ये सब सॉल्युबल सब्सटेंस हैं, बस किसको छोड़ के? सैंड को छोड़ के, ठीक है। सो सैंड इज ऑड है इसमें, ठीक है। और ये सब तो देखिए कितने कॉमन से क्वेश्चन हैं। सिलेक्ट दी लस्ट्रस ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी फॉलोइंग, व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी, What are soluble and insoluble materials? How will you identify materials based on their hardness? Give examples. Is air a good conductor or a bad conductor of heat? Why does ice float on water? Okay. इसका आंसर मैं बता देता हूँ। Why is ice float on water? Because the density of ice is less than the density of water. So ice float on the वाटर, ओके। आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से क्या होती है? कम होती है, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, सो आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, ओके। और ये डिफरेंसेस बताने हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स, इमिसिबल एंड मिसिबल लिक्विड्स, तो ये बहुत कॉमन से पॉइंट्स हैं, ठीक है, यही एक्टिविटी में मैं दे दूंगा, सॉरी वर्कशीट में मैं दे दूंगा, ओके, बाय, टेक केयर।